लिए प्रख्यात इटावा घराने से संबद्ध है। उस्ताद शाहिद परवेज को प्रारंभ में कंठ संगीत तथा तबला वादन से आपके पिता उस्ताद अजीज खान द्वारा परिचित करवाया गया, जो जाने माने सितार और सुरबहार वादक उस्ताद वहीद खान साहब के पोते थे और उस्ताद विलायत खान साहब के चाचा। उस्ताद शाहिद परवेज ने बाल्यावस्था में ही कला गुणों का परिचय देते हुए उम्र के 8वें वर्ष में अपना पहला प्रस्तुतिकरण दिया था। गायकी तथा तंत्रकारी का अनोखा संगम आपके वादन में अनुभव किया जाता है। सितार द्वारा निर्मित सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनियों पर अपनी शैली से नियंत्रण करते हुए रागों की शुद्ध स्वरूप प्रस्तुति, उपजयुक्त लयकारी तथा तालांग का सूक्ष्म विचार आपके वादन में होता है। आपने देश विदेशों में कई प्रतिष्ठित समारोहों में अपना सितार वादन प्रस्तुत किया है। आज के कार्यक्रम में इनके साथ तबला संगति कर रहे हैं श्री रामदास पड़सुले। कार्यक्रम का प्रारंभ उस्ताद शाहिद परवेज राग यमन से कर रहे हैं, जिसमें आलाप के बाद दो गतें पेश की जाएंगी जो रूपक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। In tonight's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha, we will bring you sitar recital by Ustad Shahid Parvez. Ustad Shahid Parvez belongs to the famous Itawa Gharana in sitar playing. He was introduced to vocal music and tabla by his father, Ustad Aziz Khan, a grandson of Ustad Wahid Khan. Ustad Wahid Khan, who was a well-known sitar and surbahar maestro, an uncle of Ustad Vilayat Khan. Ustad Shahid Parvez was recognized as a child prodigy and gave his first public performance at the age of 8. We find unique combination of the Gayaki Ang and Tantakari Ang in his performance. Minute technical details, the purity of ragas, he gave utmost attention to the improvisation of every aspect of Layakari. Ustad Shahid Parvez has participated in all prestigious music festivals in India and abroad. In tonight's concert, he is accompanied on tabla by Shri Ramdas Parsule. We begin the concert with Raga Yaman, in which Shahid Parvez has rendered Alap and two compositions. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Drut set to Ek Tal. Oh,
अब उनके द्वारा प्रस्तुत राग देश सुनते हैं। इसमें आलाप के पश्चात रूपक तथा तीन ताल में निबद्ध दो गते प्रस्तुत की गई है। आफ्टर राग यमन, उस्ताद शाहिद परवेज विल प्रेजेंट नाउ राग देश, इन विच यू विल लिसन टू आलाप फॉलोड बाय टू कॉम्पोजिशंस इन ताल रूपक एंड ताल तीन ताल रेस्पेक्टिवली।
कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद शाहिद परवेज द्वारा सितार पर राग झिंझोटी। इसमें लघु आलापों के बाद झपताल और द्रुत तीन ताल में दो गते बजाई गई है। कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम वी नाउ ब्रिंग यू राग झिंझोटी प्लेड ऑन सितार बाय उस्ताद शाहिद परवेज। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू झपताल एंड द्रुत इज सेट टू तीन ताल।
संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन उस्ताद शाहिद परवेज मिश्र पहाड़ी धुन से कर रहे हैं। आफ्टर अ झंझोटी उस्ताद शाहिद परवेज कंक्लूड्स द कॉन्सर्ट विद द लाइट धुन बेस्ट ऑन राग मिश्र पहाड़ी।